हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये जो आपका चैप्टर है क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस ऑल दी पीजीटी एग्जाम्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज एनवीएस, केवीएस एंड हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स, पीजीटी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम्स होंगे हर एक एग्जाम के लिए ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस चैप्टर की पार्ट वन की हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दिस इज पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डिस्कस किए थे कंसेप्ट ऑफ डिमांड, द डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व एंड वेरियस अदर कंसेप्ट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्लस उसी के साथ साथ हम उसकी अजम्पशंस को भी डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या अजम्पशंस है। अजम्पशंस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, दोनों कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं रहेगा। प्लस उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कि किसी के कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो लॉ ऑफ डिमांड से। एंड If you find it helpful, then please share with your friends, those who are preparing for the exam, plus the students of class 11th. So, start करते हैं हम law of demand से। Law of demand क्या कहता है? कल भी जब हमने concept of demand discuss किया था और उसके various determinants को discuss किया था, तो हमने एक function लिखा था कि demand for the X commodity वो function है किसका? Price of X का, price of related goods का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। जिसमें हमने जब प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी के बारे में डिस्कस किया था तब हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। आज हम इस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जब हम बाकी सारी चीजों को कॉन्स्टेंट मानेंगे, एंड वेन द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीज। जब जब प्राइसेस किसी भी कॉमोडिटी के इंक्रीज होंगे तब तब उन कॉमोडिटीज की डिमांड जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट का मतलब हमने क्या बताया था कि प्राइस ऑफ एक्स के अलावा जितने भी अदर डिटरमिनेंट्स हैं वो सब डिटरमिनेंट्स क्या रहेंगे हमारे? वो सारे डिटरमिनेंट्स हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा यही कहता है कि आप सारे डिटरमिनेंट्स को कॉन्स्टेंट मानो और जब भी किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब भी प्राइसेस फॉल करेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के टेबल और डायग्राम के बारे में। ठीक है, टेबल और डायग्राम से हम समझेंगे कि डिमांड कर्व कैसा बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड हम लेते हैं प्राइस, एक साइड हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी। हमने बोला जब प्राइसेस हमारे 1 थे तो हमने 5 क्वांटिटी की डिमांड की, और जैसे ही हमारे प्राइसेस इंक्रीज हुए हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। प्राइसेस और इंक्रीज हुए तो हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड को और कम कर दिया। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे? डिमांड कर्व बनाएंगे। हमने डिमांड कर्व बनाया है यहां पे। ऑन द वाई एक्सिस वी विल टेक द प्राइसेस एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी विल टेक द क्वांटिटी। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑन वाई एक्सिस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब प्राइसेस आपके 1 थे तो आपने कितनी कॉमोडिटीज की डिमांड की? जब प्राइसेस आपके 1 थे तो आपने डिमांड की 5 यूनिट्स की। जब प्राइसेस आपके 2 हो गए तो आपने कितनी डिमांड की? आपने डिमांड की 4 यूनिट्स की। जब प्राइसेस आपके 3 हो गए तो आपने डिमांड की 3 यूनिट्स की। ठीक है, इसको हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हमारे प्राइसेस और इंक्रीज हुए हमने क्वांटिटी डिमांड को और कम कर दिया। जब हमारे प्राइसेस और इंक्रीज हुए हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड को और कम कर दिया। तो जब प्राइस 4 हुए तो हमने अपनी डिमांड करी 2, जब प्राइसेस हमारे 5 हो गए तो हमने कितनी डिमांड की? 1।
ठीक है, जैसे जैसे हमारे प्राइसेस इंक्रीज होते गए वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, और यही बन गया आपका डिमांड कर्व। दिस इज योर डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व क्या दिखाता है कि प्राइस में चेंज आया है और उसकी वजह से किसमें चेंज आया है, उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी में चेंज आया है। प्राइस में कितना चेंज आया है, वन, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, वन। और हमेशा हम इसे किसे, इस स्लोप को हम कैसे शो करेंगे, नेगेटिव स्लोप। तो इसका मतलब डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा क्या होता है, डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा होता है नेगेटिव, और ये शो करता है कि प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी में चेंज आएगा। जैसे ही आपके प्राइसेस इंक्रीज होंगे आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम इसकी अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस हैं, कि हम लॉ ऑफ डिमांड जब भी पढ़ेंगे तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे कि हाँ अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं तो तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा। जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे प्राइसेस ऑफ एक्स को हम सिर्फ क्या मानेंगे कि इसी की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या अज्यूम करके चलें कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल ना करे, तो मतलब हम जो कंज्यूमर की इनकम है उसे क्या मान के चलेंगे, कॉन्स्टेंट। हम जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसे क्या मान के चलेंगे, कॉन्स्टेंट, कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, एप्लीकेबल, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। कल भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अगर ना समझ में आया तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं। देन टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी हमारी क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हमारे क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, तभी हम कहेंगे कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम कर रहा है। अदरवाइज अगर हम इन सारे डिटरमिनेंट्स को कॉन्स्टेंट ना माने तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है और सेम टाइम पे उस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो प्राइस के इंक्रीज होने से आपके साथ साथ इनकम भी तो इंक्रीज हो गई, तो क्या पता आप क्वांटिटी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। इसलिए और प्राइस के बढ़ने से कभी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती, ऐसा हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के बढ़ने से तो हमेशा क्वांटिटी जो है हमारी कम होगी, लेकिन मान लो कि अगर साथ साथ हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। सो इसलिए हम ये सारे फैक्टर्स को क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं कि हमारे अदर डिटरमिनेंट्स, प्राइस के अलावा जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं वो सब क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। सो दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड इन अ वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस का मतलब वो सारे केसेस जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अब सिंपल सी भाषा में साइड में ये चीज याद रखना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब भी आपके प्राइस बढ़ेंगे आपकी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, डिक्लाइन होगी, यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि प्राइस के बढ़ने से भी आप क्वांटिटी बढ़ा रहे होंगे या प्राइस के कम होने से तब भी आपकी क्वांटिटी कम हो रही होगी, यही इसकी एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सेप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इसका क्या मतलब है, डिस्टिंक्शन मतलब अलग, तो मतलब ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी कॉमोडिटीज जो सोसाइटी में आपको एक अलग स्टेटस प्रोवाइड करती है, वही क्या है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। और ये सारी ऐसी कॉमोडिटीज हैं जिनके हमेशा प्राइसेस बढ़ने से आप उनकी क्वांटिटी को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्रीशियस डायमंड है, कईयों के लिए स्टेटस सिंबल है कि जब जब इसके प्राइस बढ़ेंगे हम तो तभी खरीदेंगे, वरना ये तो हमारे टाइप का प्रोडक्ट ही नहीं है। प्रीशियस डायमंड ले लो आप, जो विंटेज कार होती है उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, विंटेज कार, ये भी क्या है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, सोसाइटी में आपको एक अलग सा स्टेटस प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है भाई हम तो इतने अमीर है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, और अब जब तो ये जब इनके प्राइस बढ़ते हैं तो तभी खरीदते हैं, जब इनके प्राइस कम हो जाते हैं हम ऐसी कॉमोडिटीज को परचेज ही नहीं करते। सो ये क्या है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इस केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल हो गया। जब जब इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तब तब आप इनकी क्वांटिटी को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। नॉर्मली रिच पर्सन जो होते हैं वही ऐसे उनके केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है प्राइस के इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से। सो
नेक्स्ट हम करते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के अलावा नेक्स्ट हमारे हैं गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स वो गुड्स हैं विच आर लोअर देन इंफीरियर. इंफीरियर से भी कम क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो सारे के सारे, इंफीरियर गुड्स से भी कम क्वालिटी के गुड्स सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. और ये ऐसे गुड्स हैं कि जिनके प्राइस इंक्रीज होने से आप उनकी क्वांटिटी को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, और जब प्राइस इसके फॉल हो जाते हैं तब आप इनकी क्वांटिटीज को क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो. मतलब बिल्कुल ही लो क्वालिटी के गुड्स सारे, इंफीरियर से भी लो क्वालिटी के गुड्स सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, इनके केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें गिफिन गुड्स के अलावा, लास्ट हमारे अजम्पशन है, सॉरी लास्ट हमारी एक्सेप्शंस है, अजम्पशंस नहीं. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हमने किया है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. अच्छा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के बारे में एक बात और बतानी थी. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के बारे में प्रोफेसर वेबलन है, उन्होंने कहा है, प्रोफेसर वेबलन ने इसके बारे में बोला है, और इन्हें हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं. ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन हमेशा यहां से बनता है कि वेबलन गुड्स के केस में क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है. क्वेश्चन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन से नहीं बनता है, जनरली वेबलन गुड्स से बनता है. तो प्रोफेसर वेबलन ने इसे एक्सप्लेन किया था, इसलिए इन्हें बोला जाता है वेबलन गुड्स. ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हमने कर लिया, हमने गिफिन गुड्स कर लिए, और लास्ट हमारी जो एक्सेप्शन है वो है हमारी इरेशनल जजमेंट. लास्ट हमारी एक्सेप्शन क्या है, इरेशनल जजमेंट. इरेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हम हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है, प्रोड्यूसर रेशनल है. रेशनल का मतलब वो हमेशा ऐसे डिसीजन अपने लिए लेना चाहेगा जो उसके लिए बेस्ट होंगे. ठीक है, एक कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वो सारे ऐसे डिसीजन ले जो उसके लिए बेस्ट हो, एक प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि मैं ऐसे डिसीजन लूं जो मेरे लिए बेस्ट हो. तो अब यहाँ पे इरेशनल की बात क्यों की है, कि कंज्यूमर यहाँ पे ये देख रहा है, अच्छा इस कॉमोडिटी के प्राइस कम होंगे, मतलब ये तो बहुत घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, है ना. ये अज्यूम करके, ये जब हमारी अजम्पशन हो जाती है, हम मार्केट में जाएं, हम ये सोच के जाएं कि यार ये तो 500 का ही मिलेगा, है ना. आपने चला अपने दोस्तों के साथ और आपने सोचा कि ये तो चीज यार 500 की ही मिलेगी, इससे कम की तो कहां मिलेगी. और मार्केट में जाते ही दुकान वाले से पूछते ही उसने बोला भाई 100 रुपए की है ले जाओ, तुम क्या सोचोगे, यार हमें तो लग रहा था 500 की, 100 में कैसे दे रहा है, 100 में दे रहे मतलब पक्का इसी क्वालिटी में कुछ खराबी होगी, पक्का ये खराबी होगा, हम ही ले रहे. आपकी जजमेंट क्या होगी, इरेशनल. मतलब प्राइस के कम होने से भी आपने उसकी डिमांड को नहीं बढ़ाया, आपने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया. यहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल हो गया, बिकॉज ऑफ योर इरेशनल जजमेंट. क्योंकि आपकी जजमेंट ऐसी है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया है, फेल हो गया है. तो तीन एक्सेप्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, नेक्स्ट गिफिन गुड्स, एंड नेक्स्ट इज इरेशनल जजमेंट. ये सारी की सारी क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. यस, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. ये दो टॉपिक हम जो है वो डिस्कस करते हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों कहा जाता है ये भी हम समझेंगे. चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व. ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ध्यान से समझेंगे, और ये सारा समझने के बाद हम इसका डिफरेंस समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी. तो सबसे पहले हम समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का क्या मतलब है. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब है कि आपकी जो डिमांड में चेंज आ रहा है, जो भी आपका डिमांड में चेंज आ रहा है, वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, वो सिर्फ
प्राइस के चेंज होने की वजह से आ रहा है, या तो प्राइस बढ़ रहे हैं या प्राइस कम हो रहे हैं। ये दो ही ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम उसे कहते हैं एक्सटेंशन, एक हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, और दूसरा हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड ही लिखो, डिमांड कर्व तो नहीं, ठीक है। एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वर्ड का मतलब क्या है कि बढ़ रहा होगा। और किसी भी, कोई भी डिमांड जो है वो बढ़ती कब है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कब इंक्रीज होगी, जब उसके प्राइसेस क्या होंगे, फॉल होंगे। तो मतलब एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ओनली व्हेन द प्राइस फॉल द डिमांड इंक्रीजेस। अब अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं और हम बोले कि पहले प्राइसेस हमारे 5 थे तो मैं सिर्फ 1 क्वांटिटी की डिमांड कर रही थी, जैसे ही मेरे प्राइस फॉल हो गए मैंने ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। और एक्सटेंशन इन डिमांड किसकी वजह से है, क्वांटिटी डिमांड में, मतलब सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा है। इस साइड हम क्या लेंगे, प्राइस, इस साइड हम क्या लेंगे, क्वांटिटी। प्राइस 5, प्राइस 1, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 5, ठीक है। जब हमारे प्राइसेस 5 थे तो हमने कितनी क्वांटिटी की डिमांड की, तब हमने डिमांड की ओनली 1 यूनिट की। जब प्राइस हमारे 1 हो गए तो हमने कितनी क्वांटिटी की डिमांड की, 5 यूनिट की। जब प्राइस हमारे 5 थे हमने इसे मान लिया ए पॉइंट और इसे हमने मान लिया क्या, बी पॉइंट। हम ए पॉइंट से किसकी तरफ जा रहे हैं, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, 1 से 5 हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। अब समझ में आया कि हमने इसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों बोला, क्योंकि हम सेम डिमांड कर्व पे हैं। क्या हमारा डिमांड कर्व चेंज हुआ, इसी लाइन पे है ना हम, हमारे डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मींस ओनली व्हेन द प्राइस चेंजेस, इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ऑल अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। सिर्फ प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वही क्या कहलाएगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कहलाएगा। उसी का एग्जांपल है एक्सटेंशन। और जब भी कोई भी डिमांड एक्सटेंड कब होगी, बढ़ेगी कब, जब उसके प्राइसेस क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड विल इंक्रीज एंड दिस विल बी कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब तो बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होगा कम होना। किसी भी चीज की डिमांड कब कम होगी, जब उसके प्राइसेस जो है वो राइज करेंगे। जब किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस ज्यादा होंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लें, पहले प्राइसेस मेरे थे, एक टेबल से समझते हैं, पहले मेरे प्राइस थे 1, तो मैंने कितनी क्वांटिटी की डिमांड की, 5, ठीक है। जैसे ही मेरे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, मैं अपनी डिमांड को क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। टेबल बनाते हैं हम, सॉरी डायग्राम बनाते हैं हम इसके हिसाब से। इस साइड हमने क्या लिया, वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, 1, 5, 1, 5, ठीक है। जब मेरे प्राइसेस 1 थे तो मैंने कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर ली, मैंने 5 यूनिट्स की डिमांड की। जैसे ही मेरे प्राइस, इसको मैंने क्या मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। जैसे ही मेरे प्राइसेस इंक्रीज हुए, मैंने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसको मैंने क्या मान लिया, बी पॉइंट मान लिया। ए लाइन से हम कहां जा रहे हैं, बी पे, हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसे ही हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आप सेम डिमांड कर्व पे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी कहते हैं, और इसका मतलब है हम सेम डिमांड कर्व पे हैं। और जब भी हमारे प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में चेंज आता है, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाया जाएगा, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है एक्सटेंशन इन डिमांड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब कि आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और डिमांड कब इंक्रीज होती है, डिमांड सिर्फ तब इंक्रीज होती है जब आपके प्राइसेस क्या करते हैं, फॉल करते हैं। अदर थिंग्स को हमने क्या मान रखा है, कॉन्स्टेंट मान रखा है।
प्राइस के फॉल होने से आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। दूसरा कॉन्ट्रेक्शन, प्राइसेस के इंक्रीज होने से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है हमारी डिमांड कम हो रही है, और कम हो रही है और सिर्फ डिमांड कम कब होगी, जब हमारे प्राइसेस जो है वो राइज करेंगे। इसको बिल्कुल भी रटो मत, इसको समझो, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या बताया था हमने, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, या उसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। दो नाम है, इंक्रीज और चेंज इन डिमांड को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, और या फिर उसे बोला जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है, चेंज इन डिमांड को हम कहते हैं व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स व्हेन द डिमांड चेंजेस। यहां हम सिर्फ प्राइस को क्या मान रहे हैं, प्राइस को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, और अगर आपकी डिमांड में कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, अदर डिटरमिनेंट्स की वजह से आ रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से वो चेंज आ रहा है, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, डिमांड चेंज हो रही है सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से। और चेंज इन डिमांड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमने बोला इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा हमने क्या बोला, डिक्रीज इन डिमांड। एक इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड का मतलब समझ में आया, चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट एंड ड्यू टू अदर डिटरमिनेंट्स व्हेन द डिमांड चेंजेस इट विल बी कॉल्ड चेंज इन डिमांड, इट विल बी कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इट विल बी एंड देयर विल बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब बताओ हमारे प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है। प्राइस को मैंने बोल दिया कि प्राइस हमारे तो कॉन्स्टेंट रहेंगे चेंज इन डिमांड में, पहले भी मेरे प्राइस 10 थे, आज भी मेरे प्राइस 10 है, लेकिन मेरी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले मैं 20 की डिमांड कर रही थी, आज मैं 30 की डिमांड कर रही हूं। अब एक बार बताओ, प्राइस कॉन्स्टेंट है और डिमांड में चेंज आ गया, डिमांड में चेंज कैसे आ सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या पता रिलेटेड गुड्स के प्राइस फॉल कर गए हूं, क्या पता कि हमारी कॉफी के प्राइस बढ़ गए, तो आप किस पे शिफ्ट कर जाओगे, टी पे शिफ्ट कर जाओगे, टी की डिमांड को बढ़ा दोगे। मतलब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से मेरी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, क्या पता आपकी इनकम बढ़ गई हो, प्राइस तो आपके सेम ही है पर आपके इनकम में चेंज आ गया, आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई हो, तो भी आप डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है सोचो, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि क्या पता आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, क्या पता आप फेवर करने लग गए हो, आपको बहुत पसंद आ रहा हो कि भाई मुझे तो आइसक्रीम खानी ही है, प्राइस सेम है तो सेम है पर मुझे तो अच्छी लगती है, खाऊंगी। सेम प्राइसेस पे भी आप अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो जब आपका टेस्ट और प्रेफरेंस हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। और क्या हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस राइज होने वाले हैं, भाई प्राइस कल राइज हो मैं तो आज अपनी डिमांड को बढ़ा लेता हूँ या बढ़ा देती हूँ, तो मैंने आज अपनी डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा, इस साइड हम क्या लेंगे प्राइस, इस साइड हम क्या लेंगे क्वांटिटी। हमारे प्राइस क्या रह रहे हैं, हमेशा कॉन्स्टेंट। पहले जब प्राइस 10 थे तो मैंने कितनी यूनिट्स की डिमांड की, 20। जब प्राइस 10 है तो मैंने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज करके 30 कर दिया। जब प्राइस मेरे 20 थे तो ये बन गया मेरा डिमांड कर्व, पहला डिमांड कर्व, ठीक है। और जब मेरे प्राइस 30 हो गए तो मैंने अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया, ये बन गया दूसरा डिमांड कर्व। मेरी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेम प्राइस पे जब डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, ठीक है। सेम प्राइस पे जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, या इसे कहेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से क्या कहेंगे, फॉरवर्ड, आगे की तरफ हमारा डिमांड कर्व जा रहा है तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसे हमने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों कहा था, क्योंकि हम सेम डिमांड कर्व पे थे, हमारा डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ था। इस केस में तो हमारा डिमांड कर्व भी पूरा चेंज हो गया, इधर से उठ के इधर चला गया, शिफ्ट हो गया पूरा फॉरवर्ड, तो इसलिए हम इंक्रीज इन डिमांड को और क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। डिक्रीज इन डिमांड कर्व का मतलब है कि प्राइस तो आपके कॉन्स्टेंट है, प्राइस तो मैंने बोला पहले भी 10 थे
आज भी 10 है, लेकिन पहले मैं 30 यूनिट्स की डिमांड कर रही थी और आज मैं सिर्फ 20 यूनिट्स की डिमांड कर रही हूं। सेम प्राइस पे रहते रहते जब आपकी डिमांड में चेंज आ जाए, आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड कर्व कहेंगे। और देखते हैं इसका डिमांड कर्व कैसे बनता है। इस साइड हमने क्या लिया? प्राइस। इस साइड हमने ली क्वांटिटी। प्राइस मेरे थे पहले 10, और जब मेरे प्राइस 10 थे, ये बना देते हैं, ये बनाना जरूरी है, ठीक है। जब मेरे प्राइस 10 थे तो मैंने कितनी यूनिट्स की डिमांड की? 30 यूनिट्स की डिमांड की। अब मेरे प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन मैं कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रही हूं? 20। तो ये बना मेरा पहला डिमांड कर्व, ठीक है, पहला डिमांड कर्व बना। और डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट कर गया किस साइड? बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कर गया, D2। मेरा डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। सेम प्राइस पे होते होते भी मेरी डिमांड जो है वो कम हो गई। क्या कारण हो सकते हैं कि सेम प्राइस पे होते होते आपकी डिमांड कम हो जाए? क्या पता आपकी इनकम कम होगी हो, आपने क्वांटिटी डिमांड कम कर दी, मतलब डिक्रीज इन इनकम इज वन ऑफ द फैक्टर। क्या पता प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज आ गया हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मान लो कि क्या पता टी के प्राइसेस जो है वो खुद ही फॉल कर गए, तो आप क्यों कॉफी पे शिफ्ट करोगे? आप टी की डिमांड को बढ़ा दोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, या कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, कॉफी के प्राइस बढ़ने से आप टी की तरफ आ गए, ठीक है, लेकिन हमें तो डिमांड को डिक्रीज करना है। कॉफी के प्राइसेस अगर कम हो गए, अज्यूम करते हैं कॉफी के प्राइसेस हमारे कम हो गए, तो आप अपनी टी की डिमांड को क्या कर दोगे? सोचो सोचो, कॉफी के प्राइस कम होने से आपकी टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोच सोच के, सोच बहुत सोच सोच के आंसर दिया करो। इकोनॉमिक्स कभी भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, हमेशा समझने का कंसेप्ट है। हमेशा आप समझोगे तो आपको बेहतर याद होगा, और आप अगर सिर्फ रट्टा मारते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो आप चाहे कितनी बुक पढ़ लो, कितनी वीडियो देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, क्योंकि जब तक आप समझते नहीं हो ना, कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ये रट्टा मारे सिर्फ नंबर ही लाने हैं, तो भाई वो तो कोई भी ले आएगा। आगे जाके किसी ने पूछ लिया कि भाई तुमने इकोनॉमिक्स की थी, इसका मतलब समझाइ जीरो, कुछ नहीं बता पाओगे। सो डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस के कॉन्स्टेंट रहने से आपकी डिमांड, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है लेकिन आपकी डिमांड जो चेंज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो हम डिक्रीज इन डिमांड का केस डिस्कस कर रहे थे कि हमारी डिमांड जो है वो कब कम होगी। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से भी हो सकता है। क्या पता पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हो तो आप कार की डिमांड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। या फिर क्या हो सकता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मान के चलो कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खरीदोगे, आपने उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि मान लो कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है वो फॉल होने वाले हैं, तो मैं आज डिमांड क्यों करूंगा भाई, मैं तो कल जाके डिमांड करूंगा। सो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। सो ये सारे थे हमारे चेंज इन डिमांड के फैक्टर्स। चेंज इन डिमांड को हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो हमने क्या डिस्कस किया? चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हमने क्या बोला? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड को हमने क्या बोला? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट के बारे में। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है, दैट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में हमने रिलेटेड गुड्स के बारे में बात की थी, तो हम यहाँ पे दो गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों के बारे में कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे कि इसके डायग्राम में हम क्या चेंज करके दिखाएंगे कि चलो अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए या कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो उसके डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहला हम केस लेते हैं व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज। जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या, हर कोई इकोनॉमिक्स में यही एग्जांपल लेता है सब्स्टिट्यूट के केस में, ठीक है। एक एग्जांपल है कि अगर मान लो कॉफी के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए,
तो टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, टी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए, हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो हमारे इसके प्राइस में तो हमने कोई चेंज नहीं किया ना, हमारे कॉफी के प्राइस में चेंज होने से हमारी टी की डिमांड पे जो है वो इफेक्ट आया है। तो अगर हम टी का ये जो डिमांड कर्व बना रहे हैं, इस साइड हम लेते हैं प्राइस, इस साइड हम लेते हैं क्वांटिटी, जीरो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, हमारी जो टी की डिमांड में चेंज आ रहा है, जो टी की डिमांड हमारी जो इंक्रीज हो रही है, मान लो कि इस पॉइंट पे हम डिमांड कर रहे थे और हमारी टी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, डीडी डिमांड कर्व से हमारा डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। किसकी वजह से, कॉफी के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारा जो टी का डिमांड कर्व है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये चेंज इन डिमांड का भी कंसेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आपके जो टी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो वही है हम टी का डिमांड कर्व बना रहे हैं। और हमने क्या देखा कि इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइस में चेंज होने से इसकी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो जब भी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगे तो आपका डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, अगर हम कहें व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, मतलब कॉफी और टी वही एग्जांपल है कि मान लो कि कॉफी के प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो क्या आप टी की डिमांड करोगे, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप कॉफी की डिमांड करने लग जाओगे। तो अगर आप टी का डिमांड कर्व बना रहे हो, या आपने डिमांड कर्व बना लिया टी का, इस साइड प्राइस इस साइड क्वांटिटी, पहले आप इस यूनिट पे इतनी कर रहे थे डिमांड क्वांटिटी की और ये बन गया था आपका डिमांड कर्व। ठीक है, लेकिन टी का डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, टी की डिमांड कम हो गई, टी का डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। और किसकी वजह से शिफ्ट किया है, क्योंकि मेरे कॉफी के प्राइस कम हो गए, मैं अब जाके कॉफी की डिमांड करूंगी, मैं टी की डिमांड नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि कॉफी के प्राइस कम हो गए, मैं कॉफी परचेज करूंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसा क्यों सोचोगे, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर क्या होता है, रेशनल होता है, वो अपने बेनिफिट की तरफ ही भागेगा, उसका बेनिफिट है कॉफी में तो वो कॉफी जाके परचेज करेगा, लेकिन टी का डिमांड कर्व तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, आप टी की आप कम क्वांटिटी को परचेज करोगे क्योंकि आप कॉफी पे चले गए हो। सो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो आपका डिमांड कर्व किस तरह शिफ्ट करता है, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये थे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड कर्व को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो साथ साथ चलते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिसमें हमने कार और पेट्रोल का एग्जांपल लिया था। अब मान के चलो व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, तो पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो कार की डिमांड पे क्या हो गया, कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हैं तो उसके डिमांड कर्व पे कैसा चेंज आता है, क्या चेंज आएगा। मैं यहाँ पे कार का डिमांड कर्व बना रही हूं, इस साइड में लूंगी प्राइस, इस साइड में लूंगी क्वांटिटी, और मैंने ये कार का डिमांड कर्व बनाया क्योंकि कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मैंने ये कार का डिमांड कर्व बना दिया कि मैं इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रही थी कार की। ठीक है, लेकिन पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से मेरी कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और कार की डिमांड कम हो गई तो कार का डिमांड कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से उसका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट किया है, बैकवर्ड शिफ्ट किया है। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको मेरे समझाने से तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये चीज आप खुद करके देखना, खुद एज्यूम करके डिमांड कर्व सुनाना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, सुन तो आप 10 वीडियो लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे ना कोई फायदा नहीं है। मेरी वीडियो देखो, किसी की वीडियो देखो, डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो और समझ में ना सिर्फ तभी आ सकता है जब आप खुद करके देखोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने एक बार प्राइस को इंक्रीज किया था, अब मैं कहती हूं कि जब प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, व्हेन प्राइस डिक्रीज, और ये एक साइड हमने ली कार, एक साइड हमने ली पेट्रोल,
पेपर में ऐसा नहीं करना है भाई, पेपर में कार का डिमांड कर बनाओगे उसी की बात करोगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रही हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब बुक में सही समझ में आ जाता तो ये वीडियो देखने आते ही नहीं, है ना। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये यहाँ पे ये बना रही हूँ टेबल, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। मैंने बोला पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो कार की डिमांड क्या होगी, सोचो जरा। पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो लोग कार की डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे। कार के प्राइस की वजह से उसके डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आता, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। चेंज क्या आता है, शिफ्ट करता है उसका डिमांड कर्व। इस साइड प्राइस लेंगे, इस साइड क्वांटिटी लेंगे, रट गया होगा अब तक तुम्हें, है ना। जैसे हमने बोला कि ये मेरा कार का डिमांड कर्व था, ये मैंने कार की डिमांड कर्व बना दिया, और कार की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो हमने फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया इसे, ठीक है। इंक्रीज हो गया तो हमने इसे फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया, D1 D1 हमारी कार की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और किसकी वजह से इंक्रीज हुई, क्योंकि हमारे पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब समझ में आया कि जब आपके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये था क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, बस वो सुन लो, फिर बस वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं व्हेन कंज्यूमर इनकम चेंजेस, कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसके डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कल जब हमने इनकम का कंसेप्ट किया था तो हमने दो गुड्स के बारे में बात की थी, एक हमने बात की थी नॉर्मल गुड्स के बारे में और दूसरी हमने बात की थी इंफीरियर गुड्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे राजस्थान का एग्जांपल हो गई, राजस्थान जैसे उसमें जो बहुत ही माइनॉरिटी में जो रिच है, जो भी रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो वीट खा रहा होगा, लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो बाजरा खा रहा होगा। तो बाजरा क्या है, इंफीरियर गुड्स है, और वीट क्या है, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब भी किसी भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब भी कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। लोग किसकी तरफ जाएंगे, इंफीरियर की तरफ जाएंगे। मतलब अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाते हैं, इस साइड प्राइस, इस साइड क्वांटिटी, मैंने इसका डिमांड कर्व बनाया और ये रहा हमारा डिमांड कर्व कि इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। ये बन गया आपका डिमांड कर्व। आपका डिमांड कर्व, आपकी इनकम बढ़ी, आपका डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया, ठीक है। इनकम के बढ़ने से आपका डिमांड कर्व फॉरवर्ड चला गया और आप सेम प्राइस पे होते हुए भी अपनी डिमांड को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। मान के चलो आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, तो सेम प्राइस पे होते हुए भी आपने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, और आपका डिमांड कर्व किससे शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, कम क्वांटिटी की डिमांड करोगे आप, ठीक है। तो आप इस डिमांड कर्व से देख के क्या समझा सकते हो कि ये चेंज इन डिमांड है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, बताओ, सोचो। ऑफकोर्स ये चेंज इन डिमांड है, क्योंकि चेंज इन डिमांड में हम क्या कह रहे हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस कॉन्स्टेंट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड, डिमांड ओवर डिमांड कर्व आइदर शिफ्ट फॉरवर्ड और आइदर शिफ्ट बैकवर्ड, ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से, और इनकम अदर फैक्टर है। अब इंफीरियर गुड्स की बात करो, जब भी आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या जब बहुत जेब में बहुत पैसा होगा तो क्या इंफीरियर गुड्स लेने चाहोगे, बिल्कुल नहीं लेने चाहोगे। और जब आपकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी तो आपके इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जेब में पैसा ही नहीं होगा ना तो भाई खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ भी मिल जाए, इंफीरियर सुपीरियर कुछ नहीं देखोगे उस वक्त तुम। तो इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, इनकम ज्यादा होने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। कैसे बनेगा इसका डिमांड कर, वही सेम ऐसे ही बना लोगे, नोटबुक पर ना सांस लेके बैठा करो और अपने दिमाग को और हाथ पैरों हाथों को चलाया करो कि हम सोच के देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। हम अब एज्यूम करते हैं कि चलो प्राइस बढ़ेंगे तो क्या फर्क, क्या डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा। अच्छा, अदर फैक्टर में चेंज होने से डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा। तो मैंने क्या बोला, इनकम बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। मान लो कि ये मेरा डिमांड कर्व था और ये बन गया मेरा डेली डिमांड कर्व, लेकिन
इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर रहे, ये ध्यान रखना। इनकम बढ़ी, हमने इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। प्राइस तो वही की वही है, प्राइस की वजह से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही इनकम मेरी कम हो गई तो मैंने अपने इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो डिमांड करके सही शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये केस था किसका, कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से हम दो गुड्स में, दो गुड्स के डिमांड कर्व में चेंज आता है हमारा, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, और उसका डिमांड कर्व हमने देख लिया कैसे चेंज हो रहा है। लास्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, कि आपको कोई चीज आप फेवर में हो उस प्रोडक्ट के, लाइक डिसलाइक मैटर करती है, ट्रेंड मैटर करता है कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड में सब वही खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, सेम प्राइस पे भी होके भी आप अपनी डिमांड को बढ़ाओगे, ट्रेंड में है भाई हम तो लेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट है, लाइक है आपकी, डिसलाइक है, डिपेंड करता है, पसंद है तो खरीदोगे, नहीं पसंद है नहीं खरीदोगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फैक्टर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस विंटर है तो ये ऐसे कपड़े भाई जैकेट वैकेट चाहिए, और अगर समर सीजन आ गया तो उस टाइप के कपड़े चाहिए। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी डिमांड में क्या होता है, चेंज होता है। तो मतलब जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के फेवर में रहोगे तो उसका डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, या फिर उसका डिमांड, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेम प्राइस पे रहते रहते भी भाई प्राइस को चेंज मत कर देना, क्योंकि प्राइस की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है। तो मैंने अगर ये डिमांड कर्व मैं बनाती हूं और मैं कहती हूं इस साइड प्राइस है, इस साइड है हमारी क्वांटिटी, ये मेरा डिमांड कर्व था। ठीक है, ये मैंने बना दिया डीडी डिमांड कर्व, और मैंने बोला कि मैं इस प्रोडक्ट के फेवर में हूं भाई, मैं इसको ज्यादा परचेज करूंगी, मुझे पसंद है, मेरी लाइक में है, तो मैं इसका सेम प्राइस पे होते हुए भी मैं इसकी डिमांड को क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी, और मेरा डिमांड कर्व किससे ही शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व मेरा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि वो आपके फेवर में ही नहीं है, डिसफेवर में हो, डिसलाइक करते हो, तो सेम प्राइस पे होते हुए भी आप अपनी डिमांड को क्या करोगे, कम करोगे, और उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, या फिर बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, की डिमांड कर्व किससे ही शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, D2 सेम प्राइस पे होते हुए भी आप कम डिमांड करोगे। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के, और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पसंद आए तो शेयर करना, ना पसंद आए तो बता देना कि क्या गलती है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।